नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, जीआईसी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। काफ़ी मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मेरे टेलीग्राम के फॉलोअर्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अब समय है आपके पास 50 से 55 दिन का, जिसमें अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग करें और मेन एग्जाम को क्वालिफाई करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू कुछ है नहीं, और तो आप सीधे सीधे सेलेक्ट हो जाएंगे इस एग्जाम में। और मैंने पहले भी आपसे बताया है कि ये एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस कि अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, तो दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको बूस्टअप करेगा, जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। मेरे कई ऐसे सीनियर थे, मैंने पहले भी बताया था, कि जो जीआईसी में थे और फिर आईएएस बने, वो पीसीएस बने। मेरे सीनियर पंकज दीक्षित सर थे, जीआईसी में ही थे, फिर आईएएस प्रॉपर बने, डीएम बने। इसी तरीके से मेरे सीनियर आलोक सर थे, जो कि जीआईसी इंटर कॉलेज में ही थे और वो भी जो है पीसीएस परीक्षा के टॉपर्स रहे हैं। ढेर सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इसी दिशा में, पढ़ने पढ़ाने की दिशा में प्रेरित करता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चार पांच अगर पीसीएस के पोस्ट को छोड़ दीजिए तो किसी से कम नहीं है, आप एक गरिमामय जीवन जी सकते हैं, चुन सकते हैं एक अच्छा करियर इसके माध्यम से, और आपको एक बेहतर लाइफ मिल सकती है। तो दोस्तों, ये किसी भी मायने में ये कम एग्जाम नहीं है, इसको आपको बहुत सीरियसली लेना है। और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप समझिए कि असली प्रतियोगिता शुरू होगी अब, क्योंकि इसके पहले जो लाखों फॉर्म्स पड़े थे उसमें बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट थे जो उस लेवल की प्रतिस्पर्धा कर पा रहे थे, क्योंकि उसमें था जीएस का एक सेगमेंट जिससे काफी लोग भयभीत थे। लेकिन अब जो है सुरमाओं के बीच में ही लड़ाई लड़ा जाएगा, तो इसके लिए पूरी तरीके से हो जाइए तैयार। आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। आइए मैं 50 दिन की रणनीति आपके सामने रखता हूं कि जीआईसी मेन एग्जाम को आप कैसे हैंडल करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, ताकि ये एग्जाम आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट होंगे इसमें और आप जीआईसी को ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो जीआईसी मेन का एग्जाम है, जिसे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश संचालित कर रहा है, इसमें आप देखिए जो मुख्य परीक्षा है, बेसिकली इसमें दो पेपर है मुख्य परीक्षा में, जो आप जानते हैं 6 फरवरी को आयोजित होनी है, ये प्रोबेबल डेट है। जहां तक मैं अनुमान लगाता हूं कि 6 तारीख को एग्जाम जरूर हो जाएगा। तो ये जो जीआईसी मेन का एग्जाम है वो दो चरणों में होना है, दो पेपर में बेसिकली होना है, पेपर वन और पेपर टू। जो पेपर वन है दोस्त, ये है सामान्य हिंदी और निबंध के, 2 घंटे के आपको समय मिलेंगे और 100 मार्क्स का ये होगा। सामान्य हिंदी और निबंध दो भागों में बटा हुआ है, इसका पार्ट वन है 50 नंबर का और पार्ट टू है वो भी 50 नंबर का। पार्ट वन है सामान्य हिंदी से संबंधित, पार्ट टू है निबंध से संबंधित। सबसे पहले मैं आपको यहां ये क्लियर कर चुकूं करूं कि जो पेपर वन है, जो सामान्य हिंदी और निबंध का, वो 2 घंटे का है और 100 मार्क्स का है, जबकि पेपर टू 3 आवर्स का है और ये ऑप्शनल का है, वैकल्पिक विषय जो आप एक चयन किए होंगे, हिंदी चयन किए होंगे, पॉलिटिकल साइंस चयन किए होंगे, फिजिक्स, मैथ, कॉमर्स, जो भी आपने चयन किया है, इकोनॉमिक्स, वो एक ऑप्शनल पेपर होगा जो 300 मार्क का होगा। तो कुल मिला जुला के जो आपका चयन का आधार है यही मेन एग्जाम है, मतलब 100 प्लस 300, इस 400 मार्क्स पे ही आपका चयन होना है। क्योंकि कोई इंटरव्यू नहीं है तो आप इसी 400 मार्क्स पे आप चयनित होंगे, क्योंकि इसमें इंटरव्यू है ही नहीं, आप जान रहे हैं, तो इसी में आपको बेहतर करना है तो आप सिलेक्ट होंगे। अब मैं इसी पे बात करूंगा कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो, किस सेगमेंट पे आपको ज्यादा फोकस करनी है, किस सेगमेंट को थोड़ा सा आप ढील दे सकते हो, इसी सब विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा मैंने कहा कि पेपर वन 2 घंटे का है और ये सामान्य हिंदी और निबंध से संबंधित है और 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात कर लें पार्ट वन के, हिंदी की। हिंदी में देखिए संक्षेपण पूछा जाएगा, रेखांकित अंशों का आपको व्याख्या करना होगा, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, वर्तनी सुधार, रूप, संधि, समास, क्रिया, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, अशुद्धियां। देखिए दोस्तों, ये जो 50 नंबर का आपका सामान्य हिंदी है ना, ये एक तरीके से मैथमेटिक्स है। इसमें अगर आप चाहें तो आउट ऑफ 50, 45 मार्क्स ले सकते हो। सामान्य हिंदी एक ऐसा पार्ट होता है हमेशा जो कि मैथमेटिकल नंबर आपको दिलवाता है, और इसका वाइस वर्सा ये आपको बहुत कम अंक भी दिलवाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आज से प्रत्येक दिन
आने वाले 55 दिनों तक आप 2 घंटे प्रत्येक दिन आप इस सामान्य हिंदी पे दें। आपके लिए मैं 2 किताबें यहां पे बता रहा हूं जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूं। पहला किताब है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की, और दूसरी जो बुक है वो सामान्य हिंदी या फिर आप ले सकते हो हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग डॉक्टर हरदेव बारी की। आप इन दोनों किताबों को जरूर ले लें, अमेजन पर भी उपलब्ध है, आप यहां से परचेज कर सकते हो। प्रत्येक दिन 2-2.5 घंटे का समय निकालिए, और मैं आपसे बता रहा हूं इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़िए और लिखिए भी। जितने भी टॉपिक यहां से दिए गए हैं संक्षेपण बहुत अच्छा लिखे हैं वासुदेव नंदन प्रसाद, रेखांकित शब्दों का व्याख्या भी इसमें दोनों में आपको मिल जाएगी, अनेकार्थी विलोम पर्यायवाची जो भी आपको टिपिकल लगे। जैसे मान लो कि तुम पर्यायवाची लिख रहे हो और तुमको कुछ शब्दों का पर्यायवाची नहीं पता है, तो उसे एक डायरी में नोट जरूर करो बेटा, नहीं तो आप क्या करोगे उसको जो है गलत करके आओगे। आपको लगता है कि मुझे सब आती है, बुक से आप रिविजन कर रहे हो, नहीं, जो आपको नया मिले चाहे वो तत्सम हो, तद्भव हो, मुहावरे हो, लोकोक्तियां हो, विलोम हो, अनेकार्थी शब्द हो, जो आपको नए मिले उसको एक जगह आप नोट करिए। मैं कह रहा हूं कि 2.5 घंटे प्रत्येक दिन अगर आपको टाइम दे रहा है तो आप ये मान के चलिए कि उस 2.5 घंटे में 1 से 1.5 घंटे आपको अपनी डायरी पर लिखना है इन तमाम टिपिकल जो शब्द है उसको। वर्तनी सुधार बहुत अच्छे से दिया गया है, बहुत अच्छे से देखिए कि किस तरीके से वर्तनियां जो है हम लोग गलत करते हैं, हम लोग हिंदी में जो शब्द प्रयोग करते हैं वो कितने गलत करते हैं, तो इन सब को बहुत अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हो। और नोट्स जरूर बनाना मेरे कहने पे, क्योंकि यहां पे आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। यहां आपको मैथमेटिकल नंबर, यहां पे आपको 85-90% तक नंबर ले सकते हो। दूसरा इसका सेगमेंट है सामान्य हिंदी का, और सामान्य हिंदी में आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 1000 शब्द में लिखना होगा। 1000 शब्द का मतलब होता है बेटा लगभग 10 पेज। आपको 10 पेज का एक निबंध लिखना है जो हो सकता है साहित्य एवं संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्या एवं समाधान, विज्ञान और पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं और निवारण। आपको मैं एक चीज यहां भी ये भी बता दूं कि यहां पर एसे में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं और बहुत कम मार्क्स भी मिलते हैं। आपको चाहिए कि इसमें से जो आपका प्रिफरेंस जोन है इसमें से 2-3 एरिया आप सिलेक्ट कर लें। लाइक एग्जांपल, अगर आप इकोनॉमिक्स वाले हैं तो आपको राष्ट्रीय विकास योजनाओं पे तैयार करना चाहिए, अगर आप साहित्य से हैं तो साहित्य और संस्कृत पढ़िए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक ये समस्या समाधान ये सबको पढ़ना है। और जहां तक मैं गेस कर रहा हूं कोविड के ऊपर, और कोविड से क्या चैलेंज आए हैं और कोविड से क्या अपॉर्चुनिटीज मिली हैं देश को, इसके ऊपर एक प्रश्न आ सकता है। इस पे टेररिज्म पे प्रश्न आ सकता है, इसके ऊपर आप देखोगे पॉवर्टी पे आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर प्रश्न इससे आ सकते हैं, इसके ऊपर जो है प्रश्न माओवाद के ऊपर आ सकता है, डॉरी सिस्टम पे आ सकता है। तो दोस्तों ये जो होता है ना तीसरा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्या समाधान, ये मार्किंग भी बहुत होता है। तो इस तरह के मुद्दों के ऊपर आप एक तो समझ विकसित कर लो किसी भी किताब से पढ़ के, और लिखने का प्रयास जरूर करिए। लिखने में बहुत सिंपल लिखना है, सरल लिखना है, फ्लो के साथ लिखना है। और ये ध्यान रखिए कि पीसीएस का एग्जाम है, यहां पे आपको बहुत कलिष्ट ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी लिखने का तरीका है कि आप सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में अपनी चीजों को एग्जामिनर को समझा दो, जितने आसानी से आप लिख सकते हो। देखिए यहां पे एक डिबेट हो सकता है कि एसे में हम हेडिंग डाल के लिखे नहीं लिखे। कुछ लोग यूपीएससी में मैं देखता हूं बिना हेडिंग के लिखते हैं, पीसीएस में मैं देखता हूं लोग हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। ये इसमें कोई बहस की मुद्दा नहीं है, अगर आप बेहतर तरीके से अपने आप को हेडिंग डाल के प्रेजेंट कर रहे हैं तो हेडिंग डाल को लिखो। लेकिन इसके पहले आप जाएं एग्जाम में, देखिए प्राकृतिक आपदाएं निवारण डीआर खुल्लर को आप पढ़िएगा, डीआर खुल्लर का जो कंटेम्पोररी इंडियन ज्योग्राफी उसमें जबरदस्त लिखा हुआ है, या सरस्वती प्रकाशन का जो है 11th और 12th में जो डीआर खुल्लर है उसमें भी आप देखेंगे प्राकृतिक, इस पे आप नोट्स बना लीजिए डीआर खुल्लर से। तो आप जो है 2-3 एरिया इसमें सेलेक्ट कर लो और जो कॉन्सेप्ट क्लियर करो उस पर लिखने का प्रैक्टिस आप जरूर करो। अगर आप लिखोगे नहीं तो ऐसे में आप बहुत अच्छा कर ही नहीं सकते हो। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आने वाले 55 दिन में आप प्रत्येक सप्ताह में 2 ऐसे लिखने का जरूर अपना आपका एक कार्यक्रम होगा कि मैं प्रत्येक सप्ताह में 2 ऐसे जरूर लिखूंगा। तो आप जब खुद लिखोगे ना तो लर्निंग बाय डूइंग मॉडल है, आप करके ही सीखते हो, आपको बहुत ऐसी चीजें क्लियर होगी जो आपको क्लियर नहीं। तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप
इस एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 20 निबंध आप जरूर लिख लें, जिससे कि आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा कि मुझे किस तरह से लिखना है, अपने भाव को किस तरह से प्रकट करने। तो ये रहा 100 मार्क्स का हमारा सामान्य हिंदी और निबंध। इसके लिए कोई मैं स्पेसिफिक बुक आपको प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा। आप जिस क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर आपको विज्ञान और पर्यावरण पसंद है तो अपने मन की पुस्तकें आप पढ़ सकते हो, काफ़ी पुस्तकें अवेलेबल है। इसी तरह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या समाधान पे आपके पास मैगजीन्स हैं, योजना है, कुरुक्षेत्र, किसी चीज़ से इसके ऊपर एक जो है अपना फ्रेमवर्क केवल आपको डेवलप कर लो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो आप लिख सकते हो बहुत आराम से, बट प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप रट्टा मारे हो और सीधे जाके एग्जाम। आप, मेरा सुझाव है कि प्रत्येक सप्ताह 2 ऐसे जरूर आप लिखें, तो आप बहुत अच्छा इसमें कर लोगे। तो ये जो है जो सामान्य हिंदी और निबंध है, इसमें आप बहुत अच्छा इसको कर सकते हो, और कहीं ना कहीं ये भी जो है आपके सिलेक्शन का आधार सिद्ध हो सकता है। देखो, पूरा का पूरा पेपर 2 पे होगा, नो डाउट। आप लेक्चरर के लिए जा रहे हो तो जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें आपकी गहन जो है नॉलेज होना चाहिए, डीप स्टडी होनी चाहिए। अब देखिए, ये 3 भाग में बटा है, खंड अ, खंड ब और खंड स, मतलब सेक्शन ए बी सी। इसमें देखिए, जो खंड अ है, पहले खंड से 5 प्रश्न होंगे और ये 250 वर्ड्स के होंगे, और इसके लिए 25 अंक डिटरमाइन है, मतलब 125 अंकों का होगा। ध्यान से सुन लीजिए, 5 ही प्रश्न होंगे, 250 शब्दों में लिखेंगे, 125 अंक का होगा। दूसरा खंड होगा, उसमें भी 5 प्रश्न होगा, लेकिन ये 150 शब्दों का होगा, 75 नंबर दिलाएगा। खंड स जो है 10 प्रश्न है, 100 वर्ड का है, और ये जो है 100 शब्दों का है और 10 अंक का है, इसका मतलब ये 100 अंक देगा। तो कुल मिला जुला के 300 मार्क्स का होगा, और ये रहा 100 मार्क्स का, कुल मिला के 400 मार्क्स के आपके एग्जाम होने। सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय में नंबर कैसे पाएं, ये सबके सामने चैलेंज है। देखो, मैं आपको बताता हूं, सबसे बेहतर जो तरीका है नंबर पाने का वो है खंड स। खंड स, इसमें आपको सबसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए, टिप्पणी जहां भी होती है, सबसे 60 क्वेश्चन, 100 शब्द का मतलब है एक पेज से कम, 100 शब्द का मतलब एक पेज में। अगर जो आपके सामने छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाए, उसे कंसेप्टुअली आप लिख डालो। सबसे पहले इसी को लिखो, खंड 100 को, और एक एक पेज में लिखो। और मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को, जूलॉजी के हो, बॉटनी के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथमेटिक्स के हो, इकोनॉमिक्स के हो, ज्योग्राफी के हो, प्रत्येक पेज पे एक छोटा डायग्राम जरूर बनाओ बेटा। इससे एग्जामिनर आपका डेप्थ समझेगा कि आपको हर विषय का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सबसे पहले आप खंड 100 को करेंगे, लेकिन इसमें आप टाइम मैनेजमेंट करो कि मुझे 10 प्रश्न करना है और 3 घंटे का समय है। तो अगर आप प्रत्येक प्रश्न को अगर 10 मिनट दे दिए, तो आपका नो डाउट ये प्रश्न छूटने ही छूटने, क्योंकि आपके 10 प्रश्न में 100 मिनट चले जाएंगे, और 100 मिनट का मतलब है 1.5 घंटे से ज्यादा। तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि किस तरीके से मैं 8 मिनट में 160 क्वेश्चन करता हूं, विथ डायग्राम, विथ फ्लो चार्ट। ये आज से ही आपको शुरू करना है। अगर आप ये कर लिए तो कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। आपको करना यह है कि जो 10 जो प्रश्न हैं 60 वाले, ये कॉन्सेप्टली होंगे, नो डाउट, समझिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे होंगे। आप इसको कम से कम समय में विथ फ्लो चार्ट विथ डायग्राम, प्रत्येक क्वेश्चन पे एक डायग्राम फ्लो चार्ट बनाइए, और इसको 100 मिनट में लिखने का प्रयास करिए। खंड ब को आप प्रयास करिए 10 से 12 मिनट में लिखने का, 12 मिनट में लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि इसमें 12 मिनट में लिखोगे तो ये 5 है, तो भी आपको एक घंटे का समय इसमें लग जाएगा। और थोड़ा सा समय आप यहां देखिए, ज्यादा आपको देना है खंड में, क्योंकि ये 250 वर्ड्स का है और 125 अंक का है। तो देखो, इसके ऊपर आप ध्यान रखिए। कई बार होता क्या है, आप जानते बहुत हो, शुरू कर दिया आप खंड, खंड में 250 वर्ड में लिखना है, 250 का मतलब आप समझिए 2.5 पेज। कभी भी शब्दों की लिमिट क्रॉस मत करिए। अब चूंकि यहां पे आप देखिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, आपको लग रहा है इतना आसान है, नहीं आसान, आप करके देखो। 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन छूट जाएंगे। देखो, वही सफल होगा, वही इसमें जाएगा जो टाइम मैनेजमेंट कर लेगा, जो 3 घंटे में 20 क्वेश्चन की कैपेसिटी रखता है। अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट डिटरमाइन कर ले, तब भी 200 मिनट लग जाते हैं। और 200 मिनट का, अगर प्रत्येक प्रश्न के लिए आप सिर्फ 10 मिनट दे दोस्त, तो आपको 20 प्रश्न करने में 200 मिनट लग जाते हैं, और ये 3 घंटे से ज्यादा हो जाता है, 3 घंटे 20 मिनट। और दिक्कत यही है कि जब बच्चा लिखने बैठता है, उसको नॉलेज बहुत है, वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आ रहा है, तो खंड और 5 प्रश्न लिखने में ही उसको 3 घंटे समय चाहिए।
3 घंटे नहीं कुछ 4 घंटा भी ले लेंगे। देखो यहां पे मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट ही आपको सेलेक्ट कराएगा। इसे नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। नॉलेज यहां से इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर सिलेक्शन जीआईसी मेन एग्जाम। यहां पे आपको आज ही से प्रैक्टिस करना है कि मुझे 10 मिनट से कम समय में खंड स करना है, 10 से 12 मिनट में खंड ब करना है और 10 से 12 मिनट में ही खंड स करना है। इसमें आपको बहुत हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लिखने का तरीका। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिखते कैसे हैं। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से मेरी बात को ध्यान रखिए कि आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि ये खंड स के 10 प्रश्न हम सिर्फ 7 से 8 मिनट में कर सके, इसी तरीके से खंड ब के सारे प्रश्न 10 मिनट में कर सके और खंड अ के सारे जो प्रश्न है उसको 12 से 13 मिनट में कर ले विथ डायग्राम विथ फ्लो चार्ट। अगर आप इस काम को 55 दिन में कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, आप सिलेक्ट होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए। आइए कुछ अच्छा करते हैं, आइए कुछ बड़ा करते हैं।